संजय बलराज दत्त उर्फ संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को भारत के तत्कालीन बॉम्बे प्रांत वर्तमान महाराष्ट्र के मुंबई शहर में प्रसिद्ध अभिनेता पिता सुनील दत्त व मां प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस के घर हुआ। मां नरगिस का निधन 3 मई 1981 को हो गया तथा पिता सुनील दत्त का निधन 25 मई 2005 को हो गया। संजय दत्त की दो बहनें प्रिया व नम्रता। संजय दत्त की शिक्षा द लॉरेंस स्कूल सनावर सोलन हिमाचल प्रदेश में। युवावस्था में संजय दत्त नशे के आदि हो गए, बाद में इलाज से वो नशे की लत से दूर हो पाए। संजय दत्त ने बाल कलाकार के रूप में फिल्म रेशमा व शेरा में अभिनय किया। पिता सुनील दत्त द्वारा निर्देशित फिल्म रॉकी के साथ बॉलीवुड फिल्मों में अपनी शुरुआत की। यह फिल्म मई 1981 में प्रदर्शित हुई, जबकि कुछ दिन पूर्व 3 मई 1981 को संजय दत्त की मां नरगिस का निधन हो गया था। 1982 में दिलीप कुमार, संजीव कुमार व शम्मी कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों की फिल्म विधाता में दमदार अभिनय किया। 1983 में मैं आवारा हूं और 1985 में जान की बाजी फिल्म में अभिनय किया। 1986 में प्रदर्शित फिल्म नाम में दमदार अभिनय करके बॉलीवुड में अपना अलग स्थान बनाया। 1987 में इनाम 10,000, 1988 में मर्दों वाली बात, 1989 में इलाका, कानून, अपना अपना, हम भी इंसान हैं, ताकत फिल्म में संजय दत्त के अभिनय को सराहा गया। संजय दत्त ने 1988 में कब्जा, 1990 में हथियार, तेजा खतरनाक, जहरीले थानेदार, 1991 में खून का कर्ज, सड़क व साजन फिल्म में भी दमदार अभिनय किया। संजय दत्त ने 1992 में यलगार, 1993 में गुमराह साहिब, 1994 में आतिश फिल्म में भी शानदार अभिनय किया। 1993 में मुंबई बम कांड में शामिल होने के आरोप के कारण 19 अप्रैल 1993 को टाडा के तहत संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया। 31 जुलाई 2007 को संजय दत्त को मुंबई बम विस्फोट केस से मुक्त कर दिया गया, किंतु अवैध हथियार रखने के कारण 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। कई पैरोल मिली और 25 फरवरी 2016 को सजा पूरी होने के बाद रिहा कर दिया गया। संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद 1997 में दाऊद फिल्म रिलीज हुई। 1999 में 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें कारतूस, खूबसूरत, हसीना मान जाएगी, दाग द फायर व वास्तव थी। वास्तव पहली फिल्म थी जिसमें फिल्मफेयर पुरस्कार संजय दत्त को मिला। 2000 में मिशन कश्मीर, 2001 में जोड़ी नंबर वन, 2002 में पिता व कांटे फिल्म भी हिट रही। 2003 में प्रदर्शित फिल्म मुन्ना भाई MBBS ने अपार सफलता प्राप्त की। संजय दत्त के अभिनय जीवन में यह फिल्म मील का पत्थर सिद्ध। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 25 सप्ताह तक प्रदर्शित रही। वर्ष 2000 के बाद केवल 8 फिल्में ही ऐसा कारनामा करने में सफल रही। 2004 में मुसाफिर प्लान व 2005 में परिणीता फिल्म भी सफल रही। 1 सितंबर 2006 को प्रदर्शित फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई भी सुपर डुपर हिट रही। संजय दत्त ने 2007 में धमाल शूट आउट एंड लोखंडवाला, 2009 में ऑल द बेस्ट, 2011 में डबल धमाल, 2012 में सन ऑफ सरदार, 2012 में अग्निपथ, 2014 में PK फिल्म में भी दमदार अभिनय किया। 2016 में भूमि, 2018 में साहेब बीबी और गैंगस्टर 3, 2022 में कन्नड़ फिल्म अघीरा में भी दमदार अभिनय किया। 2023 में जवान फिल्म में भी अभिनय किया। 2023 में तमिल फिल्म लियो में भी अभिनय किया। आने वाली फिल्म गुड महाराजा व घुरचड़ी है। 2011 में बिग बॉस की सह मेजबानी की। 2009 में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली, महासचिव नियुक्त किए गए, किंतु 2010 में इस पद से इस्तीफा दे दिया। सलाखें शीर्षक से कविताएं भी लिखी जब वो जेल में बंद थे। संजय दत्त ने 3 विवाह किया। संजय दत्त ने पहला विवाह फिल्म अभिनेत्री ऋचा शर्मा से 1987 में किया। दोनों के एक बेटी त्रिशाला है। त्रिशाला वर्तमान समय में अमेरिका में रह रही हैं। 10 दिसंबर 1996 में ऋचा की मृत्यु। संजय दत्त ने दूसरी शादी 14 फरवरी 1998 को एयर होस्टेस से मॉडल बनी रिया पिल्लई से की। दोनों ने आपसी सहमति से 2008 में तलाक ले लिया। संजय दत्त ने तीसरी शादी 2008 में दिलनाथ शेख उर्फ मान्यता से की। 21 अक्टूबर 2010 को दोनों के जुड़वा बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हुई।